अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुंबल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? जी वी होप सो कि आप सब लोग फिट फैट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। वीडियो का नेम है कोक स्टूडियो बंगला। तो कोक स्टूडियो है बांग्लादेश में, सॉन्ग होगा शायद बंगाली में होगा, जर्नी है शायद कोक स्टूडियो की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 3 2 1 स्टार्ट। হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে, আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে, কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ জেরে, আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ জেরে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখিরায়, সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনে কথা একলা বল রে, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বল রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে বাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দরো, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দরো। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, আমি পথে হেঁটে যাই, হেঁটে হেঁটে বহু দূর যেতে চাই, তুমি
কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो. सॉन्ग था एकला चोलो, और जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो कोक स्टूडियो की जर्नी है, जो भी सिंगर्स कोक स्टूडियो में पार्टिसिपेट करेंगे सारे वो थे डिफरेंट जगहों पे, जो है वो उन्होंने पिक्चराइजेशन करके वो पूरा कोक स्टूडियो की जर्नी दिखाई इसमें. और सॉन्ग जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था, लिरिक्स तो समझ नहीं आ रहे थे इतने, लेकिन आवाज़ बहुत मज़े की थी. सिंगर्स और डांस के स्टेप्स और साड़ियाँ जो है बांग्लादेश की, वो तो नो डाउट होती खूबसूरत पहनी हुई फीमेल्स ने. का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा था कि इसमें उन्होंने सारे सिंगर्स दिखा दिए जो कोक स्टूडियो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं शायद. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह कोक स्टूडियो के और भी जो सॉन्ग्स हैं वो सुनेंगे. हमने कुछ सुने हुए हैं बंगाली वॉइस में, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होती है और लिरिक्स भी इतने मज़ेदार, इतने मीठे, बहुत अच्छे लगते हैं. तो आई रियली लाइक दिस वीडियो. जी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत मज़े का सॉन्ग था. म्यूज़िक इसके अलावा जो है वो जो वाइट कलर के उन्होंने कॉस्ट्यूम और उसके साथ रेड दुपट्टा पहना था, तो वो क्लासिकल डांस था आई थिंक, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था. और जिस तरह से वो मतलब ट्रीज के दरमियान में वो आई थिंक कर रही थी, और वो जगह भी और बहुत ज़बरदस्त था. इसके अलावा वो सारे सिंगल, हाँ वो कलर्स फेंक रहे थे, वो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लोग कुछ सोच रहे थे, कुछ बोर हो रहे थे, तो उनको ऐसे किसी को रेडियो पे, किसी को इस तरह से जो है एक वॉइस आती है, फिर वो सारे जो है मिल के इकट्ठे होते हैं और एंड पे जाके जो है वो एक सॉन्ग के लिए वो बैठते हैं. तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी. जी, तो फ्रेंड्स, वी होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की वीडियोस भी दिखाएं, तो मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया है, वहाँ पे भी आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो वहाँ पे भी अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो और ज़्यादा व्लॉग्स की वीडियो बनाऊँगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम. अल्लाह हाफिज़.